Hello students, my name is Atisha Chhajed. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. Today, we will process in manufacturing ME302 ka unit number 4 metallic coating process ka part 1st start. Today, we will cover the topic 4.1 metal spray and 4.2 galvanizing. So, we will study metal coating processes. Metal coating processes kya hote hain? जो मेटलिक सरफेसेस होते हैं उन पे मेल गंदगी चिकनाई तथा अन्य विजातीय पदार्थ होते हैं उन्हें हटाने के लिए किसी न किसी चरण में रासायनिक शोधन का उपयोग करना पड़ता है इस रासायनिक शोधन के प्रयोग को ही मेटलिक कोटिंग प्रोसेस कहते हैं इसे प्रलेपन या प्लेटिंग का कार्य किया जाता है अधिकाधिक विनिर्मित उत्पादों के विक्रय में पहले से ही कुछ न कुछ पृष्ठ उपचार की यानी मेटलिक सरफेस की क्लीनिंग की आवश्यकता पड़ती है यह कार्य उन उत्पादों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए या फिर जो सरफेसेस हैं उनकी सेफ्टी के लिए या फिर उन सरफेसेस के कुछ दोषों को छुपाने के लिए किया जाता है ये जो पृष्ठ दोष हैं ये जब हम सरफेसेस का उत्पादन करते हैं उसी टाइम पड़ जाते हैं पृष्ठ दोष जैसे कि खरोचे छोटे-छोटे छेद खुरदुरापन बर्स नुकीले सिरे दाग धब्बे ये सारे जब हम इनका उत्पादन करते हैं इनकी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इन पर पड़ जाते हैं तो पृष्ठ उपचार का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि इन दाग धब्बों को इन दोषों को छुपाना है जनरली जो हम पदार्थ बनाते हैं उनका जो नेचुरल कलर जो होता है वो इतना आकर्षक नहीं होता है जिससे ग्राहक उसे पसंद नहीं करते तो पृष्ठ उपचार द्वारा हम इन रंगों को आकर्षक बना सकते हैं जिससे ये अधिक से अधिक इनका विक्रय करने में आसानी रहती है तो हम देखते हैं कि पृष्ठ उपचार एवं परिष्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं इन प्रक्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है फर्स्ट उत्पादों को साफ करना सेकंड उत्पादों का रंग सुधारना एवं थर्ड उत्पादों की पृष्ठ गुणवत्ता सुधारना ठीक है तो सबसे पहले आज जो हम मेटलिक कोटिंग प्रोसेसेस में जो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेटल स्प्रे जिसे हम धातु स्प्रे भी कहते हैं धातु स्प्रे क्या होता है किसी धात्विक वस्तु पर किसी अन्य उत्कृष्ट पदार्थ की धातु का लेप चढ़ाने को धातु स्प्रे कहते हैं ठीक है तो जिस वस्तु पर लेप करना होता है उसे आधार वस्तु कहते हैं यह आधार वस्तु लोहे की हो सकती है अलोह हो सकती है या फिर अधातु हो सकती है लेकिन जो स्प्रे द्वारा लेपन करने वाली प्रत्येक अवस्था में धातु होती है ठीक है और जो लेप करने वाली जो धातु है वो अलोह धातु होती है क्लियर हो गया जिस सतह पर हम लेप कर रहे हैं जिसे हम आधार वस्तु कहते हैं वो लोह अलोह एवं अधातु की हो सकती है और जिस धातु से लेप किया जाता है वो सामान्यतः अलोह धातु होती है जैसे कि निकल क्रोमियम रांगा जस्ता आदि तो धातु स्प्रे के मुख्य उद्देश्य एवं अनुप्रयोग फर्स्ट है धातु सतह को विद्युत कुचालकता प्रदान करना ठीक है तो क्या होता है जो हमें सर्फेसेस प्राप्त होती है हम चाहते हैं कि ये विद्युत कुचालक हो तो उसके लिए इसमें प्लेटिंग की जाती है उससे ये कुचालक बन जाते हैं सेकंड धातु का संक्षारण प्रतिरोध बढ़ाना थर्ड धातु की सुंदरता एवं सजावट में वृद्धि करना फोर्थ धातु के रंगों में परिवर्तन करना एंड फिफ्थ घिस जाने के फलस्वरूप पुर्जों की गट गई विमाओं को बढ़ाना जो हम उपयोग में लेते हैं पुर्जे जब वो यूज हो जाते हैं उसके बाद उनकी जो किनारी है वो थोड़ी घिस जाती है तो मेटलिक कोटिंग के थ्रू हम उन सिरों को फिर से आकार दे सकते हैं और उसकी जो विमाएं हैं उनको बढ़ा सकते हैं अब हम पढ़ते हैं धातु स्प्रे का सिद्धांत
क्या होता है, धातु स्प्रे विधि में लेप की जाने वाली धातु को सर्वप्रथम उचित विधि से पिघलाया जाता है। पिघलाने के पश्चात पिघली धातु को संपीड़ित वायु या फिर कंप्रेस्ड एयर या फिर तीव्र गति की जेट से डाला जाता है तथा ये उसके पश्चात ऑटोमाइज हो जाती है। ऑटोमाइज यानी कि कणित अवस्था में आ जाती है। ठीक है, ये जो कणित अवस्था में आ जाती है उसके पश्चात इसको आधार धातु पर लेप कर दिया जाता है। आधार धातु पर पिघली धातु के कण चिपक जाते हैं और उसकी सतह पर स्प्रे धातु की परत बना देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले लेप की जाने वाली धातु को पिघला दिया जाता है, फिर इस पिघली हुई धातु को संपीड़ित वायु या फिर तीव्र गति के जेट द्वारा जो आधार धातु है उसके ऊपर डाला जाता है। तो ये जो पिघली हुई धातु है वो एटोमाइज अवस्था यानी कि कणित अवस्था में आ जाती है और ये आधार धातु पर जाकर चिपक जाती है, इससे उसके ऊपर आधार धातु पर इस पिघली हुई धातु का लेप बन जाता है। आधार धातु पर पिघली धातु के कण चिपक जाने से उसकी सतह पर स्प्रे धातु की परत बन जाती है। ठीक है, ये कणित धातु जो होती है यह आधार की सतह पर फैलती है और जो छोटे छोटे उभार होते हैं उसमें फंस जाती है, जिसे हम इंटरलॉक बोल सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से फंस जाती है, जो थोड़े थोड़े उभार होते हैं उसमें भी ये अच्छे से फिक्स हो जाती है। और फिर क्या होती है, एक ठंडी सतह पर जा रही है, गर्म धातु है, गर्म पिघली हुई धातु और आधार धातु है वो ठंडी है, तो सीधा एक ठंडी सतह के ऊपर जाती है, तो जाते से क्या हो जाते हैं, ये जो कण होते हैं एटोमाइज्ड कण होते हैं ये बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और सूख जाते हैं और ये सतह को अच्छे से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये है स्प्रे धातु का सिद्धांत। अब इस स्प्रे धातु को मेटल स्प्रे प्रोसेस को तीन विधियों से किया जाता है। फर्स्ट है गैस फ्लेम मेथड, सेकंड है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड एंड थर्ड है प्लाज्मा आर्क मेथड। फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्प्रे धातु को गलाने के लिए, फर्स्ट मेथड है गैस फ्लेम मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस विधि में किसी ज्वलनशील गैस, ठीक है, कोई एक ज्वलनशील गैस लेते हैं, उसका मिश्रण बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीएसिटिलीन गैस अथवा ऑक्सीजन एवं अन्य किसी गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्वलनशील गैस है ये धातु के एक पतले तार को, हम यहाँ से एक पतले तार को इस फीड रोल के थ्रू यहाँ से पास करते हैं। फीड रोल क्या करता है, धातु को एक सीध में आगे से आगे बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो ये धातु का तार आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, और फिर इसको क्या करते हैं, जो ये ज्वलनशील गैस है उसकी ज्वाला में इसको जलाते हैं, उससे क्या होता है, ये धातु का जो तार है ये पिघल जाता है। ठीक है, और इसके पीछे से यहाँ से संपीड़ित वायु की तीव्र धारा भेजी जाती है, जिससे क्या होता है, ये धातु के आणुकरण में सहायता मिलती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसके कण एटोमाइज हो जाते हैं। ठीक है, एटोमाइज हो जाने के पश्चात यहाँ से पीछे से गैस आई, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो पिघली हुई तार है ये एटोमाइज होके इस कार्यखंड के ऊपर जाकर फुहार के रूप में जाती है और फिर यहाँ पे आकर चिपक जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, गैस फ्लेम मेथड। ठीक है, सेकंड प्रोसेस जो है वो है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। इस मेथड में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दो तार यूज किए गए हैं। ठीक है, ये है फीड रोल। ठीक है, फीड रोल इस तार को आगे बढ़ाते रहते हैं, एक ये फर्स्ट तार और सेकंड तार। ये जो फर्स्ट तार है इस पे पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। ठीक है, तो ये दोनों तार यहाँ से पास होते हैं,
क्या होता है, इस विधि से लेपित की जाने वाली धातु को दो तार पृथक पृथक फिड्रोल से आगे प्रेषित किए जाते हैं। फिर क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या एक आर्क डेवलप होता है, ठीक है, एक विद्युत आर्क उत्पन्न होता है, ठीक है। और क्या होता है, गैस फ्लेम विधि के द्वारा की तरह ही यहाँ पे पीछे से संपीड़ित वायु डाली जाती है, ठीक है। ये संपीड़ित वायु बहुत तीव्र धारा से प्रवाहित की जाती है और यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यह धारा विद्युत आर्क के प्रभाव से विखंडित धातु के कणों को आवणीकृत करके आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो धातु की फुहार है वो कार्यखंड की सतह पर चिपक जाती है, ठीक है। तो विद्युत आर्क विधि गैस ज्वाला विधि की तरह ही यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो विद्युत आर्क विधि है वो गैस ज्वाला विधि से सस्ती और अपेक्षाकृत तेज होती है और बहुत ही कम समय में सतह के अधिक क्षेत्रफल पर स्प्रे करना इससे मुमकिन हो पाता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। थर्ड है प्लाज्मा आर्क मेथड। प्लाज्मा आर्क मेथड में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह रेयर इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव साइन है, यह फ्रंट इलेक्ट्रोड जिसका पॉजिटिव साइन है, तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर मिलकर एक प्लाज्मा का डेवलप करते हैं, ठीक है। इस विधि का जो प्रारंभिक और जो ऑपरेशनल मूल्य है वो बाकी दोनों विधियों से ज्यादा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जो आर्क उत्पन्न होता है इसे प्लाज्मा तैयार होता है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आर्क से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो लेपित की जाने वाली धातु है वो चूर्ण के रूप में या फिर कभी कभी तार के रूप में भी प्लाज्मा प्रवाह में डाली जाती है। तो यहाँ पे हम इसमें जो प्लाज्मा विधि है इसमें यहाँ पे हम तार का भी यूज कर सकते हैं और चूर्ण धातु का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि बाकी दो प्रोसेस में हुआ संपीड़ित गैस, तो यहाँ से भी एक उचित मात्रा में संपीड़ित गैस यहाँ से डाली जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये आवणीकारक में आवणीकारक करके इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो धातु है वो यहाँ पे पिघल जाती है और फिर यहाँ से ये फुहार के रूप में जाके कार्यखंड की सतह पर जाके चिपक जाती है, ठीक है। ऊपर जो मैंने आपको तीनों विधियाँ बताई हैं, ये सभी प्रकार के धातु को पिघलाने एवं धातु स्प्रे करने में प्रयुक्त की जाती है। सेरेमिक पदार्थों पर स्प्रे करने के लिए प्लाज्मा आर्क विधि सबसे उपयुक्त रहती है क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो बाकी विधियों से अधिक रहता है, ठीक है। इस विधि से स्प्रे करते समय लेपित की जा रही धातु में अधातु अथवा रेजिन मिलाकर इसका लेपन किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं धातु स्प्रे की विधियां। जनरली जो धातु स्प्रे होता है ये स्प्रे गन से किया जाता है, इसका जो मुख्य यंत्र है वो है स्प्रे गन, ठीक है। स्प्रे गन यानी स्प्रे करने वाली गन, ठीक है। तो ये जो स्प्रे गन होती है ये हस्त चालित भी होती है और मशीन चालित भी होती है, ठीक है। तो ये धातु स्प्रे की विधियों में दो विधियां हैं, एक चपटी सतह पर एवं एक बेलनाकार सतह पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चपटी सतह पर क्या होता है। धातु स्प्रे चपटी सतह पर करने के लिए क्या करते हैं, सतह को स्प्रे गन के सामने रखते हुए सतह को ऊपर नीचे करके गति देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्प्रे गन है उसको एक जगह पे स्थिर रख देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सतह है जिसपे हमें कोटिंग करनी है उसको ऊपर नीचे गति देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, संपूर्ण सतह पर स्प्रे हो जाता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि स्प्रे गन को आप स्थिर रख दो, सतह को स्थिर रख दो और स्प्रे गन को ऊपर नीचे गति दो, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, पूरी सतह पे स्प्रे हो जाता है। बेलनाकार सतह में क्या किया जाता है, जो कार्यखंड है उसको लेथ या फिर उसी की तरह किसी अन्य
मशीन पर केंद्रकों के बीच में पकड़कर घुमाया जाता है, ठीक है। और फिर जो स्प्रे गन है उसको बिल्कुल उसके सम्मुख रखा जाता है और फिर स्प्रे किया जाता है। तो जो बेलनाकार सतह है वो केंद्रकों के बीच में घूमती रह रही है, रोल हो रही है, और सामने से स्प्रे गन से स्प्रे आ रहा है, तो इससे क्या होता है उसकी संपूर्ण सतह पर स्प्रे हो जाता है, ठीक है। लेपित धातु केवल यांत्रिक बॉन्ड द्वारा ही सतह पर चिपकती है, मैकेनिकल बॉन्ड के द्वारा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लेपन की जाने वाली सतहों को आप सबसे पहले बहुत अच्छे से साफ कर लें, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी मैकेनिकल या फिर केमिकल विधि यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा उत्पाद प्राप्त करने के लिए ये एक विधि है, ठीक है। इससे पहले धातु को अच्छे से लेप कर दो, ठीक है। पहले से लेप करने के लिए जो हम धातु यूज करते हैं वो जल्दी पिघलने वाली होनी चाहिए। ये एक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक साधारण पेंटिंग का अस्तर चढ़ा दिया, ठीक है। इससे क्या होता है जो हमारी धातु जो हमें लास्ट में जो हमें मिलती है वो बहुत ही मजबूत मिलती है। धातु स्प्रे के अनुप्रयोग मैंने आपको पहले समझा दिए हैं, मैं एक बार और बता देती हूँ। इस विधि द्वारा सभी व्यावसायिक धातु स्प्रे करते हैं, अधातु तथा सिरेमिक पदार्थों को भी लेपित करना संभव है। इस प्रकार धातु, अधातु, सिरेमिक, प्लास्टिक, कपड़ा, हर तरह की सतह पर लेपन करना पॉसिबल है। इस प्रकार धातु, अधातु, सिरेमिक, प्लास्टिक, कपड़ा, हम किसी भी प्रकार की धातु पर इसका लेपन कर सकते हैं। घिसे हुए पुर्जों की कम हो गई विमाओं को स्प्रे द्वारा चढ़ाकर पूरा कर दिया जाता है। अधातु सतहों को चालक धातु का लेपन चढ़ाकर विद्युत चालक बनाया जा सकता है और चालक धातु को अधातु सतह का लेपन चढ़ाकर विद्युत कुचालक भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ऊष्मा प्रतिरोध जर्कोनियम ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर इसे विद्युत चालक बनाया जा सकता है। इसका एक दूसरा लाभ यह है कि इससे कुछ सतह सांद्र भी हो जाती है, ठीक है। इसका एक लिमिटेशन ये है कि क्या होता है जब हम इसका कोटिंग कर रहे होते हैं तो सतह से कुछ ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, तो इस ऑक्सीकरण के कारण जो सतह है उसके घनत्व में थोड़ी कमी आ जाती है। तो ये था मेटल स्प्रे प्रोसेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन पदार्थ पर तप्त निभजन द्वारा लेपन करने की क्रिया धातु लेपन की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि द्वारा क्या होता है, जो लोह धातु है उसे संक्षारण रोधी यानी कि नॉन कोरोसिव बनाया जाता है जस्ता की परत चढ़ाकर, ठीक है। तो लोह धातु पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनीकरण क्रिया में पिघले हुए जस्ते को टैंक में डुबोकर एक पतली प्रतिरोधी परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, जस्ता चढ़े तार एवं अन्य इस प्रकार के जस्ते चढ़े तार एवं अन्य प्रारूप जस्तेदार लोह कहलाते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये है कि इसमें वे ही पदार्थ यूज किए जा सकते हैं जिनकी संरचना सरल हो, ठीक है। क्योंकि जो जटिल प्रारूप कार्यखंड है उसमें क्या होता है, जो लेप है वो समान रूप से चढ़ नहीं पाता, ठीक है। और छोटे छोटे छेदों के अंदर व किनारों के अंदर जो जस्ता है वो जाकर चिपक जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बिल्कुल सरल जो कार्यखंड है जिसकी संरचना कठिन नहीं है वो इसमें यूज करते हैं। तो इस प्रक्रम में क्या होता है, जो कार्यखंड है उसको जल्दी से जस्ते का जो क्या बोलते हैं मेल्टेड मिक्सचर है उसमें डाला जाता है, ठीक है। और फिर जल्दी से डालकर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो लेपित धातु है वो ठीक प्रकार से जो हमारा कार्यखंड है उसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। तप्त विभजन द्वारा जस्ते के अतिरिक्त एल्यूमिनियम, सीसा या फिर रागा का
या फिर इसके यौगिक को भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, तप्त निमज्जन द्वारा प्राप्त एक अन्य उत्पाद सीसा तथा लगभग 25% रंगा के उपयोग के यौगिक लेप चढ़ाकर प्राप्त होता है। इस यौगिक से लेपित इस्पात का छतों के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। धातु स्प्रे के समान ही लेप गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि सतहों की सफाई कितनी अच्छी की गई है। जितनी ज्यादा अच्छी सफाई की होगी कार्यखंड पर उतना ही अच्छा लेप चढ़ता है। इसलिए सबसे पहले जब आप लेपिंग करें तो सरफेस को अच्छे से साफ कर लें। इसलिए कोई यांत्रिक विधि यूज कर सकते हैं या फिर रासायनिक विधि यूज कर सकते हैं। इन विधियों को यूज करके जब उसकी सतह बिल्कुल प्लेन हो जाए, सर्फेसेस एकदम क्लीन हो जाए, उसके बाद इसमें लैपिंग करें। लैपिंग करने के लिए आपको या तो मेटल स्प्रे यूज करें या फिर गैल्वनाइजेशन यूज कर सकते हैं। बाकी और जो दो विधियां वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको उसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ